हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेटेस्ट व्यूज़ देखेंगे पूरे कश्मीर के, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट हम कुछ और भी बातें करेंगे। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि अपने टूर होस्ट या ड्राइवर को बहुत ही सोच समझ कर चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं कि कुछ पैसे बचाने के लिए टूरिस्ट यहाँ हज़ारों का नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जून का जो टाइम है ये पीक सीज़न में आता है। दोस्तों, एटलीस्ट जुलाई हाफ तक अमरनाथ यात्रा की वजह से जो है अभी क्राउड रहेगा। इस केस में पहले से आप सारी चीज़ें बुक करके आएँ, ना कि लास्ट मोमेंट पर आप किसी के भरोसे रहें। जैसा आपको सामने दिख रहा है, ड्राइवर ने ही होटल्स कराया और बाद में इन्हें पता लगा कि जो बगल में हमारे टूरिस्ट रह रहे हैं वो इससे काफ़ी अच्छे होटल्स में रह रहे हैं सेम कॉस्ट पे। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। पहले ही दिन ट्रिप में अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हो जाता है तो फिर आपका कभी उस पर भरोसा नहीं हो पाता दोस्तों, ड्राइवर पे। अगर पहले ही दिन आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ सकते हो कि पूरे ट्रिप में क्या हो सकता है। दोस्तों, जिन टूरिस्ट ने अपने होटल्स वगैरह कर लिए हैं, सेल्फ बुकिंग कर लिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेके कंफ्यूजन में है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट आपको कुछ दिन पहले हमें बताना होगा, तभी हम इसके बारे में कुछ आपके लिए कर पाएंगे। दोस्तों, तो ये तो एक केस है। दोस्तों, ऐसे बहुत से मामले हर दिन श्रीनगर में आते हैं। दूसरा केस है कि एक हमारे व्यूअर ने एक ट्रैवल एजेंसी को अराउंड 1,10,000 रुपए दिए थे पैकेज के लिए। इन्होंने दोस्तों अराउंड 60,000 एडवांस भी दिए थे, बट ट्रिप के कुछ दिन पहले ही इनसे एक्स्ट्रा पैसे अराउंड 61,000 रुपीज डिमांड किए जाने लगे। इन्होंने इस पे भी एग्री किया, एडवांस भी दिए, बट एट लास्ट इनका जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही बेकार है। आप समझ लो 3 स्टार के होटल्स बता के इनको बिलो एवरेज होटल्स इन्होंने थमा दिया, और जो एजेंसी है कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, इसलिए हम इनका नाम अभी रिवील नहीं कर सकते। बट जो लोग हमें पर्सनली मैसेज करेंगे हम नाम ज़रूर रिवील करेंगे। दोस्तों, जनरली हमेशा आप ये याद रखो कि ऐसे जो एजेंसीज है श्रीनगर से बाहर के ही एजेंसीज होते हैं दोस्तों, क्योंकि श्रीनगर में अगर कोई होटल वाला आपको बुकिंग देने से डिनाई करता है या कोई कैब वाला समय पर नहीं आता आपको पिक करने, डिनाई कर देता है बुकिंग, तो आप उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको पैसे वापस मिल सकते हैं दोस्तों। और जो श्रीनगर बेस्ड लोकल एजेंसीज है, अगर आप उनके थ्रू जाते हैं जो रेप्यूटेड एजेंसीज है, तो ये रेयर चांसेस होता है दोस्तों कि लास्ट मोमेंट पे आपकी बुकिंग फेल हो जाए, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कोई एक तरफा डिसीजन यहाँ नहीं ले सकता। दोस्तों, रिगार्डिंग ऑनलाइन बुकिंग साइट्स मैंने शेयर किया है कि किन साइट्स पे आप भरोसा कर सकते हैं और किस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि 1 से 2 दिन पहले ट्रिप के टूरिस्ट को मैसेजेस आ जाते हैं कि आपका होटल से आपके हाउस बोट जो हैं कैंसिल कर दिए गए हैं और ये आपका जो प्रोसेस है रिफंड में चला गया है। इससे जो है टूरिस्ट काफ़ी हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे आपको बुकिंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये सारी बातें हमने हमेशा से आपके साथ शेयर किया है, आपको अवेयर किया, फिर भी बहुत से ऐसे टूरिस्ट हमारे जब कहीं पे स्टक होते हैं, जब उन्हें पता लग जाता कि हम फंस चुके हैं, तब ही वो कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। तो आप ट्राई करें कि ऐसी नौबत नहीं आए, पहले से आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो अच्छे से आपको यहाँ पे आपका ख्याल रखे, आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराएं, और जो लोग लालची ना हो। दोस्तों, कुछ पैसे बचाने के लिए अगर पूरी ट्रिप ख़राब हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल हमारे पर्सनल नेटवर्क में गुलमर तनमर के कुछ होटल्स के साथ ही काफ़ी पुराने कैब ओनर्स हैं, जो कि अपने ऑनेस्टी के लिए और अपने प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यदि आपको पैकेजेस करने हैं, बजट पैकेजेस करने हैं जून एंड जुलाई के लिए, क्योंकि अभी तो तुरंत में अवेलेबिलिटी नहीं है दोस्तों, तो आप रुफैची ट्रैवल में कश्मीर से बेहिचक डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ हिज सर्विसेज पर्सनली, इसलिए हम आपको इन्हें रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने फेमस शिव टेम्पल गुलमर्ग का नज़ारा था दोस्तों, और ये है जब आप फेज़ 1 पे रुकोगे, फेज़ 2 के लिए जब आप क्यू लगाओगे तब का ये नज़ारा है। परसों की ये वीडियो है दोस्तों। जिनके पास फेज़ 2 के टिकट्स नहीं है वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी रिक्वेस्ट बेसिस पे होगा हम ट्राई करेंगे। दोस्तों, हमारे बहुत से पर्सनल गाइडेंस जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनको हमने टिकट्स रिक्वेस्ट बेसिस पे दिलवाया है। जिनके पास फेज़ 2 के टिकट्स नहीं है वो फेज़ 1 से पोनी राइड लेके एक स्नो एरिया, अभी कुछ 5 से 7 दिन अभी और वहाँ पे स्नो रहेगा दोस्तों, इस पॉइंट को हम हाफत खोट बोलते हैं। फेज़ 1 से इसके लिए पोनी राइड अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पोनी राइड लेकर फेज़ 1 से जो है हाफत खोट जा सकते हैं। अगर आप फेज़ 2 की राइड नहीं कर पाते तो ये आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों, आप गुलमर्ग की लोकल साइट जो है, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था,
पटपथरी जो कि साल में 15-20 दिन ही खुलता है वो एक ऑप्शन है आपके पास, या फिर आप बाबा ऋषि, ड्रंग वाटरफॉल और निंगली नाला जो निंगली रिवर है उसका टूर कर सकते हो, जिसके लिए आपको लोकल कैब्स रहना ज़रूरी है दोस्तों। तो इन सब बातों के लिए आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख जाएगा। ये जो वीडियोज़ है दोस्तों लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, जब आप फेज़ वन से फेज़ टू जाओगे तब की ये वीडियोज़ हैं। फेज़ टू पर जो अभी स्नो है ये आप देख सकते हैं, इस लेवल में अभी स्नो है यहाँ पे, अभी और भी आपको क्लिप्स दिखेंगे स्नो के। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो गंडोला स्टेशन है वहाँ से आपको चढ़ाई करनी होगी तब आपको स्नो मिलेगा। डायरेक्ट गंडोला स्टेशन के आसपास कोई स्नो नहीं है, बस पत्थर है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हो ये जो स्नो एरिया है, आपको अराउंड 0.5 किलोमीटर गंडोला स्टेशन से ऊपर की ओर चढ़ाई करनी होगी तब जाके आप यहाँ पहुँचेंगे। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, बड़ा ग्रुप है तो बेटर होगा कि एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल गाइड आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को ब्रीदिंग में हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। बहुत सीरियस कोई बात नहीं है बट इश्यूज़ आते हैं, उसके लिए अगर कोई लोकल गाइड प्रोफेशनल गाइड रहे तो काफ़ी आपको हेल्प हो सकता है दोस्तों। इन सब बातों के लिए बेहिचक हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आज की क्लिप है चंदनवारी की, मिस्टर नितेश हमारे पर्सनल गाइडेंस ग्रुप मेंबर, जितने भी वीडियोस हैं सारे हमारे ग्रुप मेंबर के ही वीडियोस हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये इंजॉय कर रहे हैं चंदनवारी को। चंदनवारी अभी फिर से ओपन हुई है बट ये ओपन क्लोज रहता है दोस्तों। पहलगाम ब्यूटी के लिए जाना जाता है, ना ही स्नो के लिए। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं 2 नाइट्स आप आराम से यहाँ पे अपनी आइटनरी में रख सकते हो। और ये आपके सामने तंगमर में जो ATV राइड होती है जो मैंने आपको बताया है, गुलमर से 10 किलोमीटर्स बिफोर तंगमर आता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पर्सनल नेटवर्क में कुछ होटल्स भी हैं तो यहाँ पे आप ATV राइड कर सकते हैं। आपको सेम रेट्स पे यहाँ पे डबल ड्यूरेशन मिलता है गुलमर के मुकाबले। और ये जो वीडियो है ये है सेंथन टॉप की लेटेस्ट वीडियो से दोस्तों। अराउंड 5 से 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन तक आपको यहाँ पे रेस्पेक्टेबल स्नो देखने को मिलेगा जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्नो काफ़ी कम हो जाएगी दोस्तों। आपको बता दें कि आप पहलगाम में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, अगर आप 2 नाइट्स 3 नाइट्स यहाँ स्टे कर रहे हैं तो आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। साथ ही गुलमर्ग में भी अगर आप 2 नाइट्स स्टे करते हो दोस्तों तो साइट सीइंग के साथ साथ आप एल पत्थर जो लेक है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। फेज़ टू से इसका रास्ता है, चारों तरफ बर्फ है और बीच में एक लेक है जिसे हम एल पत्थर लेक बोलते हैं। अराउंड 3 घंटे आना जाना गुलमर्ग फेज़ टू से ये होता है दोस्तों। बट इस ट्रैकिंग के लिए आपको फिट होना ज़रूरी है और आपको हैबिट होनी चाहिए जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक और 3 घंटे 4 घंटे चलने की। ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा नॉर्मल से दोस्तों, तो आपको फिट रहना ज़रूरी है इस ट्रैक को करने के लिए। इन ट्रैकिंग्स के लिए जो इंटरेस्टेड है वो हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों लेटेस्ट वीडियो सेंथन टॉप की, जैसा मैंने आपको बताया 5 से 7 दिन यहाँ पे स्नो मिलेगा, उसके बाद स्नो यहाँ काफ़ी कम हो जाएगा दोस्तों, प्रोवाइडेड एनी फ्रेश स्नोफॉल डजंट हैपन। क्योंकि कश्मीर में गर्मियों में भी स्नोफॉल होती है, वो अलग बात है कि इसमें रेनफॉल ज़्यादा होता है, स्नो कम होता है, बट स्नोफॉल हो सकती है दोस्तों। जैसे अभी आने वाले दिनों में खराब वेदर का जो है फॉरकास्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको सारे प्लेसेस पे फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। और यह आपके सामने लेटेस्ट वीडियो पहलगाम राफ्टिंग की, मैंने आपको पहले बताया अराउंड 680 रुपीज़ इसका टिकट फेयर है, फिक्स चार्जेस हैं। जिनके होटल्स राफ्ट पॉइंट में हैं वो बहुत आसानी से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। सनसेट तक ये एक्टिविटी होती है दोस्तों। एक दिन आप बाइसन पोनी राइड, ABC टूर और अगले दिन आप अगर समय मिले तो राफ्टिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। कश्मीर जो है ऑल ईयर डेस्टिनेशन है, आप कभी भी यहाँ आओगे कश्मीर आपको कभी निराश नहीं करेगा दोस्तों। बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आइडिया होनी चाहिए यहाँ पे कहाँ कितने पैसे देने हैं, कैसे अपने साथ आपको अच्छे लोगों को रखना है, ये सब बातें आपको पता होने चाहिए, कैसे यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों स्कैम होना काफ़ी आसान है। ये बाइसन वैली की लेटेस्ट वीडियोज़ हैं और ये आपके सामने, आप गेस करें कहाँ की वीडियो है दोस्तों, ज़ीरो पॉइंट की लेटेस्ट वीडियो है दोस्तों। ज़ीरो पॉइंट में अभी और 15 डेज आप एक्सपेक्ट करो, 15 दिन तक आप यहाँ पे स्नो देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ भी आपको स्नो बहुत ही कम मिलेगी। आपको बता दें कि चेरी स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ चुका है, जो लोग गुलमर्ग जा रहे हैं वो हमें रिमाइंड करा सकते हैं, आप जाते टाइम या वापस रिटर्न होते टाइम आप चेरीज ले सकते हैं दोस्तों। ये जो सीन्स है बटपथरी के अराउंड के सीन्स है, गुलमर्ग से अराउंड 12 किलोमीटर है दोस्तों। और ये आपके सामने सोनमर्ग लेटेस्ट पिक्स वीडियोस,
आप देख सकते हैं ग्रीनरी चारों तरफ आ रही है, स्नो लैंडस्केप धीरे धीरे कम हो रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट कम हो ही चुका है। बट सोनमर्ग बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, स्टे करने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। बट अगर आपको ऑप्शन मिले पहलगाम सोनमर्ग में से कोई एक चूज़ करने है, तो आप पहलगाम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहलगाम में काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, एक्टिविटीज़ भी हैं। यहाँ पे बस आपको सोनमर्ग जो थाजीवास के आसपास का एरिया है, इसके अलावा कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। और ये भी बटपथरी की वीडियो है, पीओके के काफ़ी क्लोज है। यहाँ पे आपको पार्किंग में गाड़ी लग जाती है जाके, गुलमर्ग लोकल कैब्स होने चाहिए, उसके बाद आपको पोनी राइड ले जाते हैं पीओके के काफ़ी नज़दीक। आपको पीओके के बाउंड्री भी दिखाते हैं, ये सारे जो वीडियोस हैं ये बटपथरी के ही हैं। अगर आपको यहाँ का लोकल टूर करना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जिन लोगों का गुलमर्ग में या तंगमर्ग में स्टे है वो ये साइट सीइंग आराम से कर सकते हैं, जिन्हें बस गंडोला राइड करना है वो सेम डे रिटर्न कर सकते हैं, जिन्हें साइट सीइंग करना है वो एक नाइट यहाँ स्टे ले सकते हैं दोस्तों। और ये आपके सामने पहलगाम लीडर रिवर, लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन पहलगाम। यहाँ पे जब आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तब आपको जगह जगह पे ऐसे नज़ारे यहाँ दिख जाएंगे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया पहलगाम में 2 nights 3 nights आराम से आप स्टे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 night आप गुलमर्ग में रखें तंगमर्ग में, और 2 nights या 3 nights आप पहलगाम में रखें। लास्ट का जो 1 night है दोस्तों वो आप हाउस बोट में रखें श्रीनगर में। और ये आपके सामने जो है दूध पथरी के ये क्लिप है, सोनमर्ग की जगह आप यहाँ भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है और काफ़ी ही पीसफुल प्राइवेसी के साथ आपको यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करना है तो दूध पथरी आपके लिए है। बहुत से व्यूअर्स स्पेशली जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, वो पर्सनल गाइडेंस के लिए इंक्वायर कर रहे हैं, आपको होटल्स के बारे में जानने हैं, बजट लोकेशंस के बारे में जानने हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में जानने हैं, तो आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आपके ट्रिप होने से पहले से हम आपको गाइड करते हैं और आपके ट्रिप के एंड तक हम आपसे कनेक्टेड रहते हैं बाय कॉल बाय मैसेजेस दोस्तों। जो टूरिस्ट हमारे पर्सनल गाइडेंस के लिए एनरोल हो रहे हैं दे ऑटोमेटिकली गेट आवर पॉपुलर कश्मीर गाइड PDF डॉक्यूमेंट, साथ ही जो हमारे नेटवर्क में रेप्यूटेड कॉन्टैक्ट्स है आप उनका भी फायदा उठा सकते दोस्तों। इस बारे में आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारी बातों को अच्छे से फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपकी 5 days की आइटिनरी हो या 3 days की भी आइटिनरी हो तो आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो और साथ ही काफ़ी समय भी बचा सकते हो, क्योंकि इसमें हमारा काफ़ी समय लगता है, काफ़ी एफर्ट्स लगता है, इसलिए इसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं की है ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स यूट्यूब से भी पहले टेलीग्राम पे दिए जाते हैं दोस्तों कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड, ज़रूर वहाँ पाए। टेलीग्राम ऐप में हमारे बोंजोर इंडिया को सर्च करें और फिर चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर आपको अपडेट्स वहाँ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।